नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है, जैसे कि राज्य भर में कुछ उथल पुथल नजर आ रही है, तो हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक है श्री छेलवजी अग्रवाल, उनसे हम चर्चा करेंगे विदर्भ सम्राट के कुछ मुद्दों को लेकर। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि कुछ दिनों से हमको ये मालूम पड़ा है कि राष्ट्रवादी ने बीजेपी की तारीफ करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे की ठाकरे जी ने जो बोला है उसका विरोध करते हुए अजीत पवार ने भी उनका विरोध किया हुआ है। तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रवादी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी क्या? कुछ दिनों से एक संकेत आ रहे हैं कि राष्ट्रवादी बीजेपी की तरफ आकर्षित होगी, क्या बोलेंगे? वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऊपर लेवल पे एक ही है। अब देखो, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार ने आज रात को शपथ लिया था, तो सब एक ही है लोग। ज्यादा विचार करने की बात नहीं, जनता को समझना चाहिए। ये सब एक है ऊपर में, छोटे कार्यकर्ता लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको नहीं झगड़ना चाहिए, क्योंकि तो राजनीति सेटलमेंट की राजनीति है, सब एक ही है ये लोग। 18 आमदार थोड़े खतरे में, ऐसा बात चल रही है पता, और इसमें जो सरकार में उथल पुथल नजर आ रही है, सर क्या कुछ उथल पुथल हो सकती है सरकार में बदलाव? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब मंत्री पद नहीं बना रहे हैं, मंत्री पद खाली पड़े हैं, गोंदिया जिले का मंत्री पद खाली पड़ा है, और सुधीर मंगड्डी वाले को बना रखे हैं, वो एक बार चेहरा नहीं दिखाते यहाँ पे, यहाँ के सुधर नहीं लेते, तो मंत्री नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जिसको मंत्री नहीं बनाएंगे वो भागेगा, इसलिए मंत्री नहीं बना रहे हैं। तो आगे चल के कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बचे कुचे सिंधे गुट के लोग ऐसे मिलकर सरकार बन सकती है, और यही समीकरण बनने वाला है। क्योंकि सिंधे गुट में क्या हुआ, जो चर्चा चल रही थी 25 करोड़ 50 करोड़, हो सकता है वो पेमेंट नहीं हुआ हो, इसलिए सब भागने की तैयारी में हो, तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में संभव है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात तो कहते हैं, लेकिन जनता की मन की बात नहीं सुनते, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? जनता की मन की बात नहीं सुनते, लेकिन जनता तो अपने मन की बात सुना रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनती केंद्र में, उसके बाद 2016 में चुनाव हुए, दिल्ली में हार गए ये लोग, राजस्थान में हार गए ये लोग, जहां इनकी सरकार थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी वो हार गए, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी एनडीए की भाजपा की, वो हार गए। तो जनता ने अपने मन की बात सुना दी। अभी 2-4 महीना पहले चुनाव हुए थे हिमाचल में, जनता ने अपनी मन की बात सुना दी, हिमाचल में हार गए, दिल्ली नगर निगम में ये हार गए, जो कि ये हमेशा से रहते रह सकता नहीं, ये लोग वो भी हार गए। तो जनता अपने मन की बात सुना रही है, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं, वो उनका सवाल है, उनको जनता की मन की बात सुनना चाहिए। और देश में जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पर जनता को ध्यान देना चाहिए, और वित्त मंत्री इनको बदलना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्री सक्सेस नहीं है। कोई भी व्यापारी समुदाय के व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहिए, ताकि उसको जनता की नब्ज का पता लगे। और मैं प्रधानमंत्री सलाह देता हूँ, जनता बार बार अपना सुना रही है आपको, आप जनता की बात सुने। 2024 में क्या होगा ये कुछ बोल नहीं सकते, देश चाहता है, देश के समय में जनता जाती है कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, तो बनने के लिए आपको आना पड़ेगा सरकार में, सरकार में जब भी आएंगे जब लोगों के मन की बात सुनेंगे। सर, लगातार जनता की ये मांग हो रही है कि आमदार और खासदार इनका जो पेंशन है इसको बंद किया जाए, लेकिन ये पेंशन बंद नहीं हो रही, सर क्या बोलेंगे इस बारे में? अभी से 7 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने जनता से निवेदन किया था कि राष्ट्र हित में आप गैस की सब्सिडी छोड़ो, तो मैंने प्रधानमंत्री की भावना को मन में लगाते हुए गैस की सब्सिडी छोड़ा था, और ज्यादा लोगों ने नहीं छोड़ा, कुल मिला के 2% लोगों ने छोड़ा था। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री सांसदों और विधायकों से एक अपील करें, जैसा गैस सब्सिडी छोड़ाने के लिए अपील किए थे जनता से, हे मेरे देश के विधायकों सांसदों, आप जो अगर जो संपन्न है, जो अपना परिवार पालने में सक्षम है, वो सब्सिडी छोड़े, और वो सब्सिडी का पैसा गरीबों को मिले, तो प्रधानमंत्री को अपील करना चाहिए, और जो छोड़े तो उसका पैसा राष्ट्र हित में काम में आएगा, और जो नहीं छोड़े मान लो उनको या उनके परिवार को कभी भी पार्टी अपना टिकट नहीं देवे, और आगे जो चुनाव आएंगे इसमें तय करे पार्टी कि हम उसी को जो देंगे जो सबसे वो नहीं लेगा, पेंशन नहीं लेगा, और विधायकों का सांसद का वेतन भी कम होना चाहिए, आधा वेतन होना चाहिए, मंत्रियों का भी आधा वेतन होना चाहिए, और प्रथम श्रेणी जो अधिकारी होते हैं इनका भी वेतन आधा होना चाहिए, मेरी ऐसी शासन से अपील है। इन के चुनाव में देखा गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इनका गठबंधन देखने मिला है, क्या बोलेंगे इस बारे में?
सब सुविधा की राजनीति करते हैं, सहकारी संस्थाएं लूटपाट की दुकानें हैं, अपने अपने लोग जाना चाहिए वहां पे, लूटपाट होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ लोकसभा में विधानसभाओं में सांप नेवले की तरह लड़ाई लड़ते हैं, कुर्सियां फेंकते हैं, टेबल तोड़ते हैं, हाथापाई करते हैं, लेकिन जहां अपनी सुविधा दिखती है यहाँ पे तो एक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति एक सेवा भावी होना चाहिए, राष्ट्र की सेवा मानव के कल्याण के लिए होना चाहिए, लूटपाट बंद होना चाहिए। लूटपाट बंद नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, जब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा, चुनाव बिना पैसे के जब तक नहीं होंगे तब तक ये लूटपाट चालू रहेगी, सुविधा की राजनीति चालू रहेगी, ये सब बंद होना चाहिए। सेवा भावी लोगों को देश की जनता ने चुना के लाना चाहिए, जनता खुद ही पैसे मांगती है, 500 रुपए वोट दो, ये दो, दारू दो, मटन दो, ये सब बंद होना चाहिए। देश की जनता को सोचना चाहिए, जैसे हम लोग अपनी बेटी के लिए वोट ढूंढते हैं वैसे ही ये कि अपने को चुनके लाना चाहिए, जैसे अपन वोट ढूंढ रहे हैं वर की भांति उम्मीदवार को चुनके लाना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार अपने लिए उपयुक्त होगा, ये सब भूल जाना चाहिए। तुम 500 रुपए वोट लेते हो, 200 वोट लेते हो, दारू लेते हो, कितने दिन चलेगा? 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद खत्म है। 5 साल भुगतना पड़ेगा, 5 साल लूटपाट करेंगे, तुम्हारी छाती में बैठेंगे, ये सब बंद होना चाहिए। ऐसी खबर मिली कि बीच में रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव हुआ, जो लोग वहाँ पे जिनकी वहाँ पे शामिल थे उनके ऊपर पथराव हुआ, सर क्या बोलेंगे, कितना निंदनीय है सर ये घटना? ये बहुत ही निंदनीय है, सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे के धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो राज्य में जो सरकार है वो अपनी सुविधा की राजनीति करती है, कौन से समुदाय के वोट हमको मिलेंगे उसका पक्ष लेते हुए पुलिस को निर्देश देती है कि भैया ऐसा करो वैसा करो, उनको गिरफ्तार करो, उनको मत करो। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि जितने भी राज्यों में पुलिस है वो केंद्र के अधीन होना चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है वैसे सभी राज्यों की पुलिस केंद्र के अधीन होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी। जैसे महाराष्ट्र में घोटाले हुए, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री थे वो अंदर जाके आए थे, उनके ऊपर 100 करोड़ उगाही का मामला सामने आया था, वहां के जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने आरोप लगाया था। तो बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो केंद्र सरकार अपने अंडर में कर ले, गृह मंत्रालय और केंद्र की पुलिस काम करे, राज्य सरकारों में केंद्र के अधीन काम करे, तो पूरा देश सुधर जाएगा। देश में दंगे होने में एक लगाम लगेगी, दंगे नहीं होंगे, बहुत अच्छा बात है ये, ऐसा केंद्र को मानना चाहिए, मेरी अपील। धन्यवाद सर। दोस्तों आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर सूचित करें। अगर आपको हमारे पूरे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो उसे शेयर करिए, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले एपिसोड आपके मोबाइल पे तुरंत आ सके। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ।